कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले सवा महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से किसी ने भी किसानों से बात नहीं की है। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के बाद किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर नाकेबंदी कर विरोध जताने का फैसला लिया। इस विरोध प्रदर्शन के लिए युवाओं को जोड़ा जा रहा था। वहीं प्रदर्शन स्थल पर गर्मी से बचाव के लिए कूलर, पंखे और एसी लगाए जा रहे हैं। किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर बोरवेल भी लगवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेंद्र कड़गम के साथ गठबंधन करने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी तमिलनाडु में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कन्याकुमारी सीट से लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तमिलनाडु में पिछले 10 सालों से AIADMK सत्ता में है और यहां 24 मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसमें पहले AIADMK ने 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी और डिप्टी CM ओ पनीर सेल्वम का नाम भी शामिल था। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि क्या मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी मिथुन चक्रवर्ती से टेलीफोन पर बात हुई है। वो आज कैलाश विजयवर्गीय से मिलने आने वाले हैं। उनके साथ एक विस्तृत चर्चा के बाद ही वो कोई जानकारी दे पाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि 7 मार्च यानी रविवार को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली PM मोदी की रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले मिथुन चक्रवर्ती TMC से राज्यसभा सांसद हुआ करते थे। अब देखना ये होगा कि रविवार यानी कल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। यदि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनको पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाएगा या नहीं। राजस्थान में एक बार फिर सियासी उठापटक के आसार नजर आने लगे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए। जब से ये खबरें सामने आई हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, तब से राजस्थान की सियासी गलियारों में ये खबर गर्मा रही है कि अब सचिन पायलट गहलोत पर भारी पड़ेंगे। वजह ये है कि पायलट शुरू से ही राहुल गांधी की कुट बुक्स में शामिल है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए पायलट काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे हैं। अब राहुल गांधी की पार्टी में दोबारा बतौर अध्यक्ष ताजपोशी होते ही तो सचिन पायलट की भी राजस्थान में ताजपोशी तय मानी जा रही है। TMC छोड़ चुके वरिष्ठ नेता दिनेश त्रिवेदी आज भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में त्रिवेदी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें, दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी थे और मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री भी रहे हैं। राज्यसभा सांसद त्रिवेदी ने विवेकानंद का कथन और PM मोदी की तारीफ करते हुए बजट सत्र के आखिरी दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लगातार नेताओं का दल बदल का कार्यक्रम चालू है। ममता के कई करीबी नेता अब भी TMC छोड़ BJP में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। राष्ट्रपति 6 मार्च शनिवार को जबलपुर पहुंचे। जबलपुर में राष्ट्रपति न्यायिक अकादमी के डायरेक्टर्स रिट्रीट कार्यक्रम में और मां नर्मदा की महाआरती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति 7 मार्च यानी रविवार को दमोह जिले के सिंग्रामपुर पहुंचेंगे और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति सिंग्रामपुर में जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रविवार शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में नया प्रयोग होने जा रहा है। अब सत्र के बीच में एक दिन ऐसा होगा जब सिर्फ नए विधायकों को सवाल पूछने का मौका मिलेगा और उनके सवालों के जवाब सरकार के मंत्री देंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नया प्रयोग करने जा रही है। विधानसभा सत्र में पहली बार ऐसा होगा जब एक दिन सिर्फ पहली बार के जीते विधायक ही प्रश्न पूछ सकेंगे। बता दें, 15 मार्च को सदन में सिर्फ नए विधायक ही सवाल पूछ सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नए विधायकों को भी सदन में अपनी बात रखने और सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। इससे ही भविष्य का नेतृत्व उभरता है। वहीं युवा विधायकों को चाहिए कि वो सदन की कार्यवाही में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपना संसदीय ज्ञान बढ़ाएं।